नवरात्रि की नौवीं देवी है। बहुत सुंदर, कलर से ही समझ में आ जाता है कि ये प्रेम की देवी है और इसका नाम है सिद्धिदात्री देवी। श्री सिद्धिदात्री माता की, तो सिद्धिदात्री माता, सिद्धिदात्री माता का प्रणाम मंत्र शास्त्र में कहा गया, सिद्ध गंधर्व यक्षादे, सिद्ध गंधर्व यक्ष आदि, सुरे अमरे रपि, सेव्यमाना सदा भूयात, सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जो सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता दानवों आदि से पूजी जाती है, जो सभी सिद्धियों की दाता है और सभी पर विजय, वो सिद्धि प्राप्त करके आदमी सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपनी उंगलियों में शंख चक्र गदा और कमल धारण करती है ऐसी सिद्धिदात्री देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नवरात्रि के नौवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ जो साधना करता है उस साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माता का रूप कैसा है, तो दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, नीचे हाथ वाले सिद्धिदात्री माता के हाथ में चक्र है, चतुर्भुज है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में कमल का पुष्प है। सिद्धिदात्री माता कमल के ऊपर सवार होती हैं और कभी कभी सिंह के ऊपर सवार होती हैं। हम 24 कलाक तो कोई मोटर माँ कार माँ के बाइक ऊपर तो न बैसे ना, सोफा ऊपर ही तो मैं बैसता हूँ। तुम्हारे में भले सारी कार हो, कभी कार में बैठे कभी सोफे के ऊपर बैठे, तो सिद्धिदात्री माता जब घर पर होती हैं तब कमल पर बैठती हैं और जब कहीं बाहर जाना होता है तब सिंह के ऊपर सवार होती हैं। नवरात्र में, नवरात्रि में ये नौवीं देवी है। नवदुर्गा में ये नौवीं दुर्गा है। कहते हैं हिमाचल के नंदाचल पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। इनकी पूजा करने से बाकी सभी देवियों की उपासना अपने आप हो जाती है। इनकी कृपा से कठिन कार्य भी चुटकी में संभव हो जाता है। भगवान शिव ने इनकी कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त की थी और तभी से सूत्र बना, किसी भी सफल आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है। सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली, यदि इनकी कृपा हो तो हमें सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सिद्धि कितनी? 9, अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इसकी कथा एक बार हो चुकी है विस्तार से, कि अणिमा माने अणु से अणु हो जाना, महिमा माने बड़ा हो जाना, और फिर ईशित्व ईश्वरत्व प्राप्त कर लेना, पानी के ऊपर चलना, हवा में चलना, ये सब सिद्धि है। इस देवी की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया और शिव जी का एक नाम पड़ गया अर्ध नारेश्वर। आपने कभी देखा ना शिव जी आधे पार्वती के रूप में आधे शिव, वो इस देवी की कृपा से। सो सिद्धिदात्री माता ही आधे शिव और आधे दुर्गा के रूप में है। सिद्धि माता को, सिद्धिदात्री देवी को तिल का भोग बड़ा प्रिय है और इनकी साधना से लौकिक और परलौकिक सारी कामनाओं की पूर्ति होती है। और सबसे इनका नाम ही इनका परिचय है। ये अंतिम देवी हैं और ये अल्टीमेट फल प्रदान करती हैं। इनका नाम ही इनका परिचय, सिद्धिदात्री माने सिद्धि देने वाली। छोटी मोटी सिद्धि तो आप जानते हैं अणिमा लघिमा, लेकिन परम सिद्धि क्या है,
श्रीमद् भागवत जी में ये प्रश्न पूछा गया कि परम सिद्धि क्या है, तब सूत जी बहुत सुंदर प्रथम स्कंद में कहते हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य। अब देखिए सार आ रहा है, सबका निचोड़ एसेंस आपको बताया जा रहा है। नर नव दुर्गा की पूजा, नवरात्रि व्रत का पालन, देवी देवताओं की उपासना का सार क्या है? संस्कृत के दूसरी लाइन समझिए, स्व अनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य। स्व माने अपने धर्म को अनुष्ठित माने परफेक्टली पालन करने से परम सिद्धि कौन सी प्राप्त होगी या होनी चाहिए, तो कहते हैं स्व अनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम्। हरि को संतुष्ट करना, हरि माने भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, तो हरितोषणम हरि की संतुष्टि, कृष्ण की संतुष्टि, राम की संतुष्टि, यही है देवी माता की सच्ची उपासना, यही है नव नव दुर्गा का वास्तविक व्रत, यही है वास्तविक नवरात्रि, यह है समसिद्धि हरितोषणम। पूरी कथा सुनोगे और ये श्लोक यदि चुक गए तो कथा का सार चुक गया। इसलिए कथा का प्राण यहां पर अटका है, कथा का सार यहां पर है कि अत पुंभी द्विज, हे द्विज श्रेष्ठ, हे शौनक आदि ऋषि मुनि, हे ब्राह्मणों, देयरफॉर ये पूरी कथा आपने सुनी, ये पांच पांच दिन का प्रेम यज्ञ आपने सुना, लेकिन हम मनुष्यों के लिए इन देवी देवताओं की उपासना का वास्तविक फल क्या माना जाएगा? समसिद्धि हरितोषणम, हरि को संतुष्ट कर देना, यही है वास्तविक फल, यही है वास्तविक सिद्धि। तो सिद्धिदात्री देवी जो है हमें प्रेम फल प्रदान करती है। मनुष्य जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ है प्रेम, और इसीलिए इनका तात्विक स्वरूप क्या है आप देख सकते हैं। सिद्धिदात्री माता का तात्विक स्वरूप है सिद्धिदात्री सर्वभूतेषु प्रेमात्म निवेदन संस्थिता। सिद्धिदात्री सर्वभूतेषु प्रेमात्म निवेदन संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। प्रेम और आत्मनिवेदन ये इनका वास्तविक स्वरूप है। जैसे नवदा भक्ति में नाइन्थ नंबर की भक्ति, नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। नवरात्रि में नौवे दिन पूजा होती है सिद्धिदात्री देवी की, तो सिद्धिदात्री देवी आत्मनिवेदन को प्रतिपादन करती हैं। आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है? शरीर से लेकर शुद्ध आत्मा पर्यंत सभी पदार्थों का सर्वतोभावेन श्री भगवान में अर्पण करना, यही वास्तविक आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्मनिवेदन नवदा भक्ति, आत्मनिवेदन के तीन कार्य है। मैं इसको और सरल करके और डिटेल में यदि आपको कहूं तो आत्मनिवेदन भक्ति में तीन कार्य करने होते हैं। अपने लिए चेष्टा न करना, अपने लिए कोई चेष्टा नहीं, अर्थात अपना योग क्षेम भगवान के ऊपर छोड़ देना, आत्मनिवेदन। दूसरा, अपने साधन और सिद्धि को भगवान में न्यस्त कर देना, अपने अपना साधन और सिद्धि सब भगवान को न्योछावर कर देना। और तीसरा, एकमात्र श्री भगवान के लिए चेष्टामय होना, जीवन की प्रत्येक क्षण भगवान के लिए होनी चाहिए। दैट्स इट।